अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफत मैम। आज हम क्लास फोर्थ के ईवीएससी का चैप्टर होम एंड एब्रॉड का कंटिन्यूएशन करेंगे। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि यासिर राबिया से कहता है कि तुम आ जाओ कभी हमारे यहाँ, यानी अबू धाबी। तो अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन द डेजर्ट एरिया। Even if one drives a little way from city, one can see miles and miles of sand, no trees, no greenery, just sand. I used to dream of the thick greenery and water around our home in Kashmir, said Sehrish. I am so happy to see all this after such a long time. The children have almost forgotten how it feels when it rains. You know it almost never rain in desert areas, said Yasir. By this time the taxi had reached Rabia's house. Yuan and Yavar were surprised to see so many fruit trees, apples, grapes, almonds, pears, nuts, so many kinds of trees. Yavar said, We used to see only one kind of tree there, the date plums, because it is the only one that can grow in the desert. The date is the most common fruit. फिर वो कहता है जो कंट्रीज अबू धाबी के इर्द गिर्द हैं वो सारे डेजर्ट एरिया में यानी रेगिस्तान में वाका हैं। अगर कोई शहर से बाहर की ओर जाएगा तो उससे दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान दिखेगा, न कोई पेड़ दिखेगा और न कोई सब्जज़ार, सिर्फ रेत ही रेत दिखती है। फिर सहरिश कहती है कि मैं सोचती रहती थी, ख्वाब देखती रहती थी ग्रीनरी की, और किस तरह कश्मीर में हमारे घर के इर्द गिर्द पानी था। मैं बहुत खुश हूँ बहुत टाइम बाद ये सब कुछ देख के। फिर यासिर कहता है कि बच्चों को तो भूल ही गया था कि कैसा लगता है जब बारिश होती है। तो अब टैक्सी राबिया के घर पहुंच गई थी और युवान और यावर बहुत ही हैरान हो गए जब उन्होंने अखरोट, सेब, अंगूर, नाशपाती वगैरह के पेड़ देखे। तो यावर कहता है, अरे मुख्तलिफ कस्मों के पेड़, हम तो अबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ यही ग्रो करता है और ये वहाँ का कॉमन फ्रूट है। तो अब हम पढ़ेंगे नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स। आफ्टर दे हैड मेट एवरीवन, सहरिश अनपैक्ड देयर बैग्स। दे हैड ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन। They gave dates to everyone to eat. The dates were very sweet and tasty. Yavar showed Rabia some notes and coins. Yuan explained that the money they used in Abu Dhabi was different and was called Italis. It had some writings in their local language, Arabic. They also showed many photographs of the place where they lived. जब वो सब लोगों से मिल गए तो सहरिश ने अपने बैग्स खोल दिए। उन्होंने सबों के लिए तोहफे लाए थे, उन्होंने सबों को खजूर दिए। वो खजूर बहुत ही मीठे थे और टेस्टी थे। यावर ने राबिया को अबू धाबी के सिक्के और नोट दिखाए। युवान ने सबों को एक्सप्लेन किया कि वहाँ के पैसे यहाँ के पैसों से मुख्तलिफ हैं और वहाँ के पैसों को इटैलिस कहते हैं, उस पे अरबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। उन्होंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स दिखाए इन जगहों के जहाँ वो रहते थे। यासिर गेव राबिया ए ग्लू। ही सेड, राबिया व्हाई डू नॉट यू लोकेट अबू धाबी ऑन दिस, लोकेट कश्मीर आल्सो। The children enjoyed playing with the globe and looking for different places on the globe. Rabia found Jammu and Kashmir also. Yavar ने राबिया को एक ग्लोब दिया और कहा, क्यों न तुम इस पे
अबू धाबी को लोकेट करोगे और कश्मीर को भी। बच्चों को ग्लोब के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आया। राबिया ने जम्मू और कश्मीर को भी लोकेट किया। इन द इवनिंग एवरीवन सेट इन द वेरेंडा एंजॉयिंग द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स। दे सॉ दैट इन अबू धाबी द बिल्डिंग्स वेर टॉल विद मैनी स्टोरीज एंड बिग ग्लास विंडोज। मालू सेड यू मस्ट बी गेटिंग कूल ब्रीज थ्रू द बिग विंडोज। यासिर सेड वी कैन नॉट ओपन द विंडोज बिकॉज ऑफ द हीट। इट इज एयर कंडीशनर्ड इन साइड वायर एवरी वन सिटीज। एज द वेदर इज वेरी हॉट पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स एंड कीप देम सेल्वस फुली कवर्डेड इवन द हेड इज कवर्डेड। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन। और शाम को सारे वरेंडा पे बैठ गए और फोटोग्राफ्स देखने लगे और एंजॉय करने लगे। उन्होंने देखा कि अबू धाबी में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थे और उन पे बड़े बड़े ग्लास विंडोज लगा के थे। तो मालू कहता है कि आपको वहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती होगी। तो यासिर कहता है कि हम वहाँ खिड़कियों को खोलते ही नहीं हैं क्योंकि वहाँ बहुत ही तेज़ गर्मी होती है। हम कमरे में एसी ऑन करते हैं और वहाँ पर ही बैठते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग लूज कपड़े पहनते हैं और सब कुछ कवर करके रखते हैं, इवन के सर को भी कवर करते हैं। ये उन्हें तेज़ धूप से बचाता है। रॉबिया एंजॉयड लुकिंग एट द पिक्चर्स एंड फाइंडिंग आउट अबाउट द अदर कंट्री फ्रॉम हर कजन्स। शी कॉन्स्टेंटली kept comparing her city with the things that they described about Abu Dhabi. She decided that she would make a project report about Abu Dhabi for her class. Rabia ने बहुत enjoy किया photos को देख के और अपने cousins से दूसरे मुल्कों के बारे में जानने के लिए। वो compare करती थी अपनी city को Abu Dhabi के साथ और उसने ये फैसला किया कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगी अबू धाबी के बारे में और अपने क्लास में दिखाएगी। तो अब यहाँ पे लुक एट दीज करेंसी नोट्स। राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट इन द बुक नियर इट्स पिक्चर। हमें इस डब्बे में इन नोट्स की वैल्यू देखनी है और फिर इन डब्बों में लिखनी है। पहला नोट इसकी वैल्यू है 5 रुपीज़, फिर है 10 रुपीज़, फिर है 100 रुपीज़, फिर है 500 रुपीज़। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। बाकी वसलाम, अल्लाह हाफिज़।